हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशि चतुर्वेदी। टुडे वी विल स्टार्ट 12th चैप्टर ऑफ साइंस, द वाटर। वाटर इज प्रीसियस। पानी जो है बहुत कीमती होता है, हमें इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी की जो कीमत है उसके बारे में मैं आपको इस चैप्टर के थ्रू आज समझाती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रोहन एक बच्चा है, वो क्या अपने स्कूल में अपनी बोतल, वाटर बोतल जो थी वो ले जाना भूल गया है। तो उसको क्या होता है, बहुत प्यास लग रही होती है, तो उसका जो फ्रेंड था नितिन, उसने उसको वाटर पीने के लिए दिया, अपनी वाटर बोतल दे दी और उसमें से उसने पानी पी लिया। तो नितिन जब मैडम क्लास में आती है तो मैडम से पूछता है, व्हाई डू वी फील थर्स्टी। नितिन मैम से पूछता है कि हमें प्यास क्यों फील होती है, हमें प्यास क्यों लगती है। तो टीचर उसको बताती है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो विदाउट, मतलब बिना पानी के ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उसको पानी की ज़रूरत, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जो पानी है उसकी वेरियस, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो नीचे आपको दी हुई हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के में पानी की हमें आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों में पानी का यूज़ होता है। देखिए, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। फॉर बाथिंग, नहाने के लिए। क्लीनिंग थिंग्स, चीज़ों को साफ़ करने के लिए, कोई चीज़ धोनी हो, जैसे आपको फ्रिज साफ़ करना होता है, घर साफ़ करना होता है, तो उसमें भी आपको पानी की ज़रूरत होती है। यूज़ फॉर पफ ऑफ फायर, कहीं आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके हम बुलाते हैं ना, तो जो उनका टैंकर होता है उसमें क्या है, पानी ही होता है, जिसको डालकर वो आग को बुझाते हैं। रोहन मैम से पूछता है कि ये जो पानी है वो कहाँ से आता है। तो मैम जो थी, टीचर जो थी उसकी, वो उसको बताती हैं कि रेन जो होता है वो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर है। रेन जो है सबसे मेन जगह है जिससे पानी आता है। और इसका जो पानी होता है वो हम कहाँ पर कलेक्ट करके रख सकते हैं, उसका पानी जब बारिश होती है तो वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है, कहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो वो पॉन्ड्स में, रिवर में, लेक्स में और पडल्स में, इन जगहों पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो नितिन पूछता है, क्या ये पानी जब हम पीते हैं तो ये हमारी बॉडीज़ के लिए, ये वाटर बॉडीज़ का जो पानी हम पीते हैं तो ये हमारे लिए सेफ़ होता है, इसको मतलब पीने से हम सेफ़ रहते हैं। तो टीचर उसको बोलती है, नहीं, ये पानी क्या है, हमें बीमार कर सकता है, इसको हमें पीने के लायक बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं या फिर उसको फिल्टर करके, पीने से पहले हमें या तो बॉयल करना पड़ता है या फिर फिल्टर करना पड़ता है। बॉयलिंग करने से, उबालने से क्या होता है, पानी में जो है जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु जो हैं मर जाते हैं, इसलिए पानी को बॉयल किया जाता है। इसके बाद रोहन कहता है मैडम से, अपनी से, कि हमें जो पानी को स्टोर करने की आवश्यकता क्यों होती है, हम पानी को स्टोर क्यों करते हैं। तो टीचर उससे बोलती है, हम पानी को इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि यह बहुत प्रीसियस होता है, बहुत कीमती होता है, इसलिए हमें इसको स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर में पानी भर के रख लेते हैं ना, किचन में, बाथरूम में, तो हम क्या है, इसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं, घर में क्लीन बकेट्स, मतलब साफ़ सुथरी जो है बाल्टी, साफ़ करके बाल्टी में, टैंक्स जो ऊपर रखी रहती है ना, आपकी टंकियाँ रखी रहती हैं उसमें, या फिर घर में किसी साफ़ ड्रम में। हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा पानी को संभाल के रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।